कृपया हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो यार मेरा भाई गया है आज गांव और मैं आया हूँ बकरी के साथ। और हमारी बकरियाँ उजाड़ जाने में एक नंबर है भाई। हमारी कुल है 7 बकरियाँ, 3 यहाँ पे हैं और 3 पता नहीं कहाँ चले गए, सॉरी 4 पता नहीं कहाँ चले गए। देखो यार, इसीलिए मैं बकरी के साथ नहीं आता भाई। चल के खेत में भाई बकरियां गई थी ना, अगर उस दादी ने देख लिया तो फिर पक्का डांट खाने वाला हूँ, वो तो पक्का है। चार पांच दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज भी हुई और मौसम कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ये वही खाई है जो मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी, आज बारिश के पानी से फुल भरी हुई है। भाई अब मैं आपको बाघ की रियल वाली स्टोरी सुनाता हूँ। ये थे 4 जने बकरी के साथ, ताजू मेरा छोटा भाई है और टिंकू मेरे चाची का लड़का है और दूसरा टिंकू एक और एक हरीश, और हमारी थी 8 बकरियाँ और जो मेरी चाची के लड़का टिंकू उनकी भी 7 से 8 बकरियां हैं। और 3 गांवों के बोर्डा नहीं देती कि हमारी बकरियां भी आप चराओ भाई। और एक दूसरे टिंकू है जो उनकी एक एक बकरा था और जो हरीश है उनकी भी 7 से 8 बकरियां थी। तो ये चारों भाई क्या कर रहे थे, ये सड़क किनारे यहाँ पर कहीं पबजी खेलने लग गए और बकरियाँ सड़क सड़क से होते हुए उधर को चली गई। तो हमारी बकरियाँ वैसे जाती नहीं है उधर को, क्योंकि हम इस पहाड़ से ना उधर ले जाते नहीं है, क्योंकि उधर से दूसरा जंगल लग गया। और इन्हें गेम खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि बकरियां कहाँ चली गई। तो इन्होंने बहुत ढूंढा बकरियों को, शाम को इन्होंने ऊपर को ढूंढा, नीचे को ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पर बकरियां कहीं मिली नहीं। और 4 से 5 दिन हो गए भाई ढूंढते ढूंढते। कुछ बकरियां तो उसी दिन आ गई थी घर, लेकिन ज़्यादातर बकरियाँ अभी भी जंगल में ही थी और मिल नहीं रही थी। सारे गाँव वाले भी आ गए थे भाई ढूंढने के लिए। और ये अभी जनवरी की बात है और ये वाला ना रोखड़ा गाँव है, रोखड़ा। तो ये लोग यहाँ जंगल जाते हैं, तो इन्होंने देखा भाई कि बकरियां यहाँ मरी हुई हैं। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपकी बकरियां यहाँ बाघ ने मारी हुई हैं। और तब लोग ये लोग यहाँ गए तो बाघ ने बिल्कुल इधर मारा था उनको, तो भाई यहाँ से और यहाँ चली गई। तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारी बकरियां, क्योंकि वहाँ जाती नहीं है, इसलिए हमने वहाँ ढूँढा भी नहीं। और जब ये लोग वहाँ गए ना भाई, 7 से 8 बकरियाँ बाघ ने मारी हुई थी और कुछ बकरियाँ तो भाई उसी टाइम तड़प रही थी, तो मतलब साफ था कि बाघ ने इन्हें अभी अभी मारा हुआ था। तो भाई बाघ ने हमारी एक बकरी मारी थी और जो टिंकू है मेरी चाची का लड़का, तो उनकी भी 2 बकरियां मारी थी। और 3 जो गांव के बोड़ा ने दिए थे ना उनको चराने के लिए, भाई उनको 3 मार दिए। और जो दूसरा टिंकू था इनकी तो भाई उसी दिन आ गई थी बकरी जिस दिन खोई थी। और जो हरीश है इनकी भी 3 बकरियां मारी थी शायद, इनका एक भेड़ था, तो वो कह रहा था कि हमारी भेड़ ना उसी टाइम उसने यहाँ पे मारा हुआ था उसको, और वो तड़प तड़प के मर गई थी उसे। और उस दिन ना चारों ने ना उसी दिन पबजी डिलीट कर दिया था, हालांकि वो अभी खेलने लगे हैं दोबारा। तो जो बोडी जी हैं हमारी गांव की, वो कह रही थी कि भाई जो टिंकू है ना मेरी चाची का लड़का, वो बोड़ा के नज़रों में आ ही नहीं रहा था, जैसे ही बोड़ा आ रहे वो छुप जा रहा था। तो ये सीन है भाई बाघ का, कभी कभी यहाँ खतरनाक बाघ लग जाता है। ठीक है, तुम्हारे अंकल जी कह रहे हैं भाई इसको भी निकालो, चूहा और ये भांग है। भाई देखो इसको पता है मेरे पास रोटी कैसे आ रही है।
बैंस तुम बैग लगाना बैग तो भाई मैं जा रहा हूँ घर, रात हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबाओ यार। बाय।